स्टूडेंट, आज हम लोग दो फंक्शन का कंपोजिशन सीखेंगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, पहला फंक्शन जो f है ए टू बी है और दूसरा फंक्शन g है वह b टू c है। तो जो इनका कंपोजिशन होगा किसका, f एंड g का, उसको डिनोट करेंगे g ऑफ f से, और यह वह करेगा a टू c। मतलब पहला फंक्शन a टू b है और दूसरा फंक्शन b टू c है, तो जो इन दोनों का कंपोजिशन होगा वह a टू c होगा। और डिफाइंड कैसे होगा, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू g ब्रेकेट में एफ एक्स। अब देखिए, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू बात को समझते हैं। तो देखिए, ये पहला फंक्शन f है ना, a टू b, 1 को 4 बना रहा है, 2 को 5 बना रहा है, 3 को 6 बना रहा है। अनदर फंक्शन जो g है वह b टू c वर्क कर रहा है, 4 को 16, 5 को 25 और 6 को 36 बना रहा है। तो जो कंपोजिट फंक्शन है किसका, f एंड g का जो कंपोजिशन है, जिसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, वह a टू c काम करेगा। और यह कैसे वर्क करेगा, देखिए, पहला फंक्शन 1 को 4 और दूसरा फंक्शन 4 को 16 बना रहा है, तो यह जो कंपोजिट फंक्शन होगा वह डायरेक्ट 1 को 16 बनाएगा। देखिए, यह पहला फंक्शन 2 को 5 या 5 को 25 बना रहा है, तो जो कंपोजिट फंक्शन है 2 को डायरेक्ट 25 बना रहा है। पहला फंक्शन देखिए 3 को 6 और जी 6 को 36, तो जो न्यू फंक्शन होगा वह 3 को डायरेक्ट 36 बनाएगा। मतलब जो कंपोजिट फंक्शन होगा इन दोनों फंक्शन का काम डायरेक्ट करेगा। अब देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिए, जो यह बात लिखी गई है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहा गया, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। मतलब क्या, देखिए, जो यह फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होगा वह f के डोमेन पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अप्लाई होगा किस पर, यह 1 पर, a टू c वर्क कर रहा है ना। तो देखिए, पहले g वेट करेगा, f ऑपरेट होगा 1 पर। तो आप ध्यान दीजिए, f 1 को क्या बना रहा है, f 1 को बना रहा है 4। अब देखिए, g को क्या मिला, 4 मिला ना, तो 4 को क्या बना देगा, यह 16। तो देखिए, जो न्यू फंक्शन है वह डायरेक्ट 1 को कितना बना रहा है, 16। तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g का मतलब है कि x पे पहले f ऑपरेट होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर g ऑपरेट होगा। सिंबल में कंफ्यूज मत होइएगा, पहला फंक्शन यहाँ पे f है, दूसरा g है, क्योंकि x पे पहले ऑपरेट f हो रहा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g। अब देखिए, एक और एलिमेंट देख लेते हैं, 2 पर देखिए कैसे ऑपरेट होगा। तो g वेट करेगा, पहले f ऑपरेट होगा किस पर, 2 पर। तो देखिए, g f 2 को कितना बना रहा है, f 2 को बना रहा है 5। अब g को क्या मिला, 5 मिला ना, तो कितना बना रहा है, 25। तो देखिए, इस तरीके से इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वह शो हो रहा है। तो यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कहेंगे कि यह इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, एक सेट फॉर्म एग्जाम्पल है कि f r टू r है, दूसरा फंक्शन जी आर टू आर है, एफ एक्स डिफाइंड है x प्लस 1 और जी एक्स डिफाइंड है x स्क्वायर, और कंपोजिट करना है। तो आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला फंक्शन आर टू आर है, दूसरा आर टू आर है, तो ये डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है ना, ए टू बी है, दूसरा बी टू सी है, तो ये कंपोजिट फंक्शन आर टू आर होगा। अब इसका रूल निकालते हैं, देखिए, जी ऑफ एफ एक्स, तो डेफिनेशन क्या करें कि जी वेट करेगा, पहले एफ ऑपरेट होगा एक्स पर। चलिए ऑपरेट करते हैं, देखिए, f x पर ऑपरेट हो रहा है, तो कितना बना दे रहा है, x प्लस 1। अब देखिए, g का जो बिहेवियर है, x मिल रहा है तो x स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब जो ये कंपोजिट फंक्शन बना, देखिए, f g ऑफ एफ एक्स क्या बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे 1 रखिए तो यह 2 बना रहा है ना, या 2 इसको दीजिए 4 बना रहा है। मतलब 1 पहले 2 बन रहा है, 2 4 बन रहा है, तो जो कंपोजिट फंक्शन में डायरेक्ट 1 4 बनेगा। देखिए, रखिए, यहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस 1 4। इसका मतलब है कि कंपोजिशन, दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है वह एक न्यू फंक्शन होता है, वह दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है, मतलब वह दोनों का काम अकेले करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये सीख पाए कि दो फंक्शन के कंपोजिशन का क्या मतलब है। अब देखिए, एक छोटा सा पार्ट और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि f a टू b हो और g b टू c हो। एक फ्लेक्सिबिलिटी यह भी है कि इफ़ f फ्रॉम a टू b, f a टू b हो एंड g फ्रॉम c टू d, देन g ऑफ f a टू d एग्जिस्ट, तभी भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कब, व्हेन,
तो ये जरूरी है कि जो यफ का रेंज है, मतलब रेंज ऑफ यफ, यफ का रेंज वह सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का, मतलब यफ का जो रेंज है वह डोमेन ऑफ जी का सबसेट है तो भी कंपोजिशन पॉसिबल है। हालांकि जो सिंपलेस्ट केस है यही होता है कि यफ ए टू बी है और जी क्या है, बी टू सी है, तो कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा यफ एंड जी का ए टू सी। तो आप एक फ्लेक्सिबिलिटी यह भी है कि अगर यफ ए टू बी है और जी सी टू डी है तो भी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा ए टू डी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो यफ का रेंज होना चाहिए वह जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो हम लोग आज अभी यह सीख पाए हैं कि दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इफ यफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाई यफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एंड डिफाइंड एज यफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स वेन यफ एक्स इज इक्वल टू वाई। पहले आप देखिए यह समझिए कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइंड होगा या एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अब उसके बाद कहा गया कि अगर जो मेन फंक्शन है वह ए टू बी है तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वह बी टू ए होगा। डिफाइन कैसे है कि अगर जो मेन फंक्शन है एक्स को वाई बना रहा है तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वह वाई को एक्स बनाएगा। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और यह एक अल्टरनेट डेफिनेशन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो डेफिनेशन है उसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में यह एक फंक्शन है ए टू बी और यह वन को फोर बना रहा है, टू को फाइव बना रहा है, थ्री को सिक्स बना रहा है, यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जो इसका इनवर्स होगा वह डिफाइंड होगा बी टू ए, अगर यह ए टू बी है तो इनवर्स क्या डिफाइंड होगा, बी टू ए। अब देखिए यह जो मेन फंक्शन है, आप इस बात को ध्यान दीजिए, यफ अगर वन को फोर बना रहा है तो उसी समय इनवर्स जो है फोर को कितना बना रहा है, वन। देखिए वन को फोर तो इनवर्स फंक्शन फोर को वन, ऐसे ही देखना है यफ टू को कितना बना रहा है, फाइव, तो जो इनवर्स फंक्शन है वह फाइव को क्या बना रहा है, टू। जो मेन फंक्शन है वह देखिए थ्री को बना रहा है सिक्स, तो इनवर्स फंक्शन सिक्स को बना रहा है थ्री। तो ये देखिए डेफिनेशन हुई कि अगर कोई फंक्शन y x को y बना रहा है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा y को x बनाएगा, मतलब ये रिवर्स काम करेगा, है ना। और ये ध्यान देंगे कि यह भी फंक्शन होगा, ठीक बात है। तो किसी फंक्शन के इनवर्स का मतलब यह होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 को 4 बना रहा है एग्जाम्पल के तौर पे तो उसका इनवर्स फंक्शन 4 को 1 बनाएगा। अगर मेन फंक्शन ए टू बी वर्क कर रहा है तो इनवर्स फंक्शन बी टू ए वर्क करेगा। और ये डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर मेन फंक्शन x को y बना रहा है तो इनवर्स फंक्शन y को x बनाएगा। तो यह हम लोग देखें किसी फंक्शन के इनवर्स का क्या मतलब होता है। अब हम लोग देखिए इनवर्स की जो है दूसरी डेफिनेशन देखेंगे और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अनदर वे में आप ऐसे कह सकते हैं कि अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ यफ फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक फंक्शन जी है जो बी टू ए है उसको इनवर्स कहेंगे यफ फ्रॉम ए टू बी का, कब कहेंगे, जब जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और यफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इसका मतलब हम लोग पहले समझेंगे कि यह क्या कहा जा रहा है। देखिए एक फंक्शन हमने लिया है यफ, ए टू बी है ना, वन को फोर बना रहा है, टू को फाइव बना रहा है, थ्री को सिक्स बना रहा है। जो दूसरा फंक्शन जो जी है वह फोर को वन बना रहा है, फाइव को टू बना रहा है, सिक्स को थ्री बना रहा है। तो अब यह हम पहले इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए यफ अगर ए टू बी है और जी जो है बी टू ए है तो इसका मतलब कंपोजिशन यहाँ पर इसका पॉसिबल है। कंपोजिशन जो पॉसिबल है उसको हम लोग फिलहाल लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, जी ऑफ यफ फ्रॉम ए टू ए। तो देखिए यह वन को फोर बना रहा है या फोर को वन बना रहा है ना, तो ए के पहले मेंबर लिख दीजिए वन टू थ्री, यहाँ पे भी ए के मेंबर लिख दीजिए वन टू थ्री, वन को फोर या फोर को वन, तो फाइनली यह कितना बना है, वन को वन, टू को फाइव, फाइव को टू, तो टू को टू, थ्री को यहाँ पे देख रहे हैं सिक्स और सिक्स को थ्री। तो क्या देख रहे हैं कि जो जी ऑफ यफ है वह वन को कितना बना रहा है, वन, है ना। ऐसे जी ऑफ यफ टू को क्या बना रहा है, टू, जी ऑफ यफ थ्री को क्या बना रहा है, थ्री। तो इन जनरल जो जी ऑफ यफ एक्स है वह कितना होगा, एक्स, मतलब एक्स कितना बना रहा है, एक्स।
तो अगर इस बिहेवियर का ये दोनों फंक्शन है, आप उल्टा भी देख सकते हैं या फाइव जी भी निकाल के देख सकते हैं, तो इस बिहेवियर के अगर ये दोनों फंक्शन हैं तो हम लोग कहेंगे कि जो जी है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो जी एफ का क्या है, इनवर्स है, एंड जी को आप डिनोट करेंगे किससे, एफ इनवर्स से। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे आपने जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स लाया है, वैसे ही आप चाहें तो एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी वाई बराबर वाई लाएंगे। अगर ये दोनों बातें होल्ड करती हैं, फिलहाल इस एग्जांपल में आप करके देखेंगे तो होल्ड करेगा, तो हम लोग यह क्लेम करेंगे कि यह जो फंक्शन है इस फंक्शन का इनवर्स है, या आप यह भी कह सकते हैं कि यह फंक्शन इसका इनवर्स है। मतलब फाइनली ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब फाइनली देखिए हम लोग क्या करें कि किसी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि इसका जस्ट अपोजिट वर्क करे। अगर मेन फंक्शन 1 को 4 बना रहा है तो इन्वर्स फंक्शन 4 को 1 बना रहा है। और इसके लिए एक बात जरूरी होगा कि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होता है जब वह फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1-1 और अंटो का होना जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों जरूरी है, देखिए जरूरी इसलिए है, मान लीजिए कि अगर यह फंक्शन 1-1 नहीं होता, सपोज दैट 4 की इमेज भी 6 होती, तब यहाँ उल्टा बनाते तो 6 की 2-2 इमेजेज आ जाती ना, तो यह फंक्शन ही नहीं रह जाता। अगर यह 1-2 नहीं होता, मतलब यहाँ कोई खाली होता, जब उल्टा बनाते तो इसकी कोई इमेज ही नहीं मिलती। इसका मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, कंपोजिशन क्या होता है, दो फंक्शन को कंपोजिट कैसे करते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइंड है, इनवर्सिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, और साथ में कंपोजिट करके भी हम लोग किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।